हेलो गाइस, तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ पोको M2 Pro का घोस्ट टच प्रॉब्लम के लेकर। तो भाई यहाँ पर काफी सारे कमेंट्स आ रहे कि भाई मेरा जो घोस्ट टच प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा है। तो मैंने इसके अंदर काफी सारे वीडियोस बनाए अपने चैनल पे कि आप जो है पोको M2 Pro का घोस्ट टच प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो वहाँ पर जो है अगर आपने उस वीडियो को देख कर ट्राई नहीं किया तो वहाँ पर ट्राई कर सकते हो। तो भाई काफी सारे कमेंट्स आ रहे उस वीडियो को देखने के बाद भी जो है मेरे पोको M2 Pro में जो है घोस्ट टच प्रॉब्लम सॉल्व अभी भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर गाइस काफी सारे पोको M2 Pro के यूजर्स और सभी को जो है ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो है कई किसी किसी डिवाइस में ये प्रॉब्लम है और किसी किसी डिवाइस में नहीं है। तो मेरे डिवाइस में जो है घोस्ट टच का भी प्रॉब्लम नहीं है और एयर स्पीकर का भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं आपको बता दूंगा इसकी ये जो है ये प्रॉब्लम कुछ हार्डवेयर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग परेशान है कि जो हमारा पोको M2 Pro में घोस्ट टच प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो भाई यहाँ पर जो है कुछ हार्डवेयर प्रॉब्लम आपके डिवाइस में हो सकता है। तो अगर आपके डिवाइस में कोई हार्डवेयर वगैरह प्रॉब्लम है तो जो है आप सर्विस सेंटर विजिट वगैरह कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने काफ़ी चीज़ें जो है ट्राई किए इस चीज को फिक्स करने के लिए। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसका जो है पोको M2 Pro में कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मैं जो है काफी ज्यादा ट्राई किया इस चीज को फिक्स करने के लिए लेकिन मुझे कोई भी ट्रिक जो है ऐसा नहीं मिला कि आप जो है इसको परमानेंट सॉल्व कर सकते हो। मैंने अपने पिछले वीडियो में जो बताया अगर आपने उन चीजों को फॉलो करने के बाद भी जो है अगर आपका घोस्ट टच प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसको जो प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ करना है तो आप जो अपने डिवाइस को एक बार रीसेट कर लो, और रीसेट करने के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है घोस्ट टच का तो आप जो है सर्विस सेंटर विजिट कर सकते हो कि और बोल सकते हो कि मेरा जो है घोस्ट टच प्रॉब्लम हो रहा है, ऑटोमेटिक से जो है स्क्रीन टैप होता है। तो यहाँ पर कोई भी सोल्यूशन नहीं कि आप जो है ट्राई करके उसको फिक्स कर सकते हो। तो भाई मैंने आपको बता दिया है और पिछले कई सारे वीडियोस मैंने बताए हैं और उन चीज़ों को करने के बाद भी जो है काफ़ी लोगों को फिक्स नहीं हो रहा है। तो गाइस MIUI 12.5 अपडेट के बाद भी ये प्रॉब्लम होता है तो आप जो है समझ लेने कि ये जो है कोई हार्डवेयर का प्रॉब्लम है। तो गाइस MIUI जब अपडेट होता है तब जो है कुछ ऐसा होता है कि आप कोई बग्स देखने को आपको मिलता है, लेकिन जो है घोस्ट टच वगैरह ऑटोमेटिक से डिवाइस टैप हो रहा है ऐसा मतलब कुछ प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है ज़्यादातर डिवाइसेस में। तो पोको M2 Pro में जो है कुछ कुछ डिवाइसेस में ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो भाई यहाँ पर जो है बिना सर्विस सेंटर जाए इसको फिक्स नहीं कर सकते, और घर पर जो है ऐसा कोई सेटिंग नहीं जिसको आप करके जो है इस चीज़ को फिक्स कर सकते हो। तो गाइस यही था आपको बताना है इस वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।